हरचित की रहने वाली एक पीड़िता ने घर में घुसकर की गई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थाना दन्ना हरचित के ग्राम ऑरेंज मंडल की रहने वाली सरदा देवी पत्नी आर्यन सिंह ने यहां पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया कि 28 सितंबर की देर शाम उसके तीन बच्चे गांव की ही तेरवी में खाना खा रहे थे। वहीं बच्चों को परिवार के अजय, विजय, पुत्र धर्मवीर, मुकेश, पुत्र सुरेश व राम लखन ने बच्चों को गालियां देते हुए लात घूंसे से मारा, जिससे उसके बच्चों को गंभीर चोटें आई है। पीड़िता द्वारा इसकी शिकायत थाने पर की गई, लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है और मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सरला आज भी कार्यालय हो, क्या मामला, किस मामले में यहाँ आए हो? सर, हमारी मारा पीटा, पहले इन लोगों ने प्लान बनाया कि मकान के ऊपर हमारी स्मोक बना रखी थी, क्योंकि मकान हमने बनाया उस पर इनने अपनी दीवार लगा ली थी। कौन लोग हैं ये, इन्होंने मारा है? कठेरिया है। आप कौन लोग हैं? हम भी कठेरिया है, हमारे रिलेशन में ही है। नाम बताओ। अभी तक थाने में कोई सूचना दी? थाने में दी, लेकिन हमारी मंजूर नहीं करी उन्होंने। उन्होंने क्या करा, अपने ईंट मारी है, जानबूझ के मारी है, और वही ईंट हमारे भाई के फेंक के मारी है। किसने मारी है? हमारी बहन लगती है, वैसे बहन लगती है वैसे जेठानी है। नाम बोलो। सावित्री देवी उर्फ धर्मवीर उनका बेटा है, और उनके जो बच्चे हैं उनने ये दंगल पैदा करा, उनके चोट लगी है। मामला है ऑरेंज मंडल का।